हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद रज़ा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपका खुदा ना खास्ता फास्ट और नश की कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आपके पास आगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जिनका आप टेस्ट दे सकते हैं अगस्त में और आगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग गैप ईयर लेना चाहते हैं तो आपको गैप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं इस तरह बात करूँगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहली वाली वीडियो में मुझे बहुत लाइक किया और मेरी वीडियो को पसंद किया, थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आप एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं अगस्त में और उसके आगे। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है कॉमसेट्स। कॉमसेट्स का तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कॉमसेट्स का जो आपके पास एडमिशन की लास्ट डेडलाइन है वो है 15 अगस्त, लास्ट डेडलाइन है। तो आप कॉमसेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको ये पता होगा। उसके बाद आपके पास आती है NED। NED यूनिवर्सिटी जो है कराची में है। तो NED का राउंड 1 तो हो चुका है और राउंड 2 रहता है। तो आप NED में भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है NED का। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है PUCIT, जो जिसकी फुल फॉर्म है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी कुछ नाम है। तो ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली। शफीका इकबाल आप जानते ही होंगे, जो गूगल में गई हैं, तो उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है कंप्यूटर साइंस के लिए। PUCIT की जो लास्ट डेडलाइन है वो है 15 अगस्त। सबसे लास्ट और सबसे आखिरी जो यूनिवर्सिटी है स्पेशली कराची वाले के लिए वो है कराची यूनिवर्सिटी। तो कराची यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है UBIT, यह भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप UBIT में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं दिसंबर में टेस्ट होते हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है प्रिपरेशन के लिए। तो अब बात करते हैं अगर आप लोग गैप ईयर लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अगर तो गैप ईयर की बात कर रहे हैं तो स्पेशली फिर आप लोग चाह रहे होंगे कि या तो मैं फास्ट में जाऊं या तो नश में अप्लाई करूं। तो अगर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं आप, क्योंकि इस गैप ईयर में आप अच्छा यूटिलाइज़ करिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कोर्सेज करिएगा, और अगर कोर्सेज करिएगा टेस्ट की प्रिपरेशन करिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं आगे जिनके टेस्ट आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, और मैंने बात करी अगर आप लोग गैप ईयर लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कौन कौन सा आपको क्या क्या करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।